दोस्तों, कल की मूवी की क्रेज को देखने के बाद जो है वो नयनतारा का काफ़ी शानदार रिएक्शन सामने आता हुआ देखने को मिला है। नयनतारा बोलती हुई देखने को मिली है कि प्रभास जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं और उन्हों की जो यहाँ पर मूवी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ने वाली होती है। जैसे कि आपने सलार देखी होगी, सलार के अंदर प्रभास ने काफ़ी बड़ी नेक्स्ट लेवल हाइप क्रिएट कर दी है, नेक्स्ट लेवल जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सलार के बाद जो है वो यहाँ पर कल की मूवी की हाइप रहती हुई देखने को मिली है और मेकर्स भी जो कि यहाँ पर श्योर हैं कल की मूवी को जल्द से जल्द रिलीज करने के लिए। कल की मूवी को काफ़ी जल्दी रिलीज किया जाने वाला है, 9 मई को फाइनली कल की मूवी थिएटर्स के अंदर आ जाएगी। तो भाई साहब, ये जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है फैंस के लिए। यहाँ पर जो कि ओवरसीज़ को भी जो है वो यहाँ पर 9 मई के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा ओवरसीज़ के अंदर भी। तो ये काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ है, ओवरसीज़ हो चाहे फिर हर जगह हो, यहाँ पर कल की मूवी की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा भी अपडेट आ रही है कि कल की मूवी का जो पार्ट 1 की शूटिंग है वो भी कम्प्लीट होती हुई देखने को मिल चुकी है और पर इस मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी जारी चलता हुआ देखने को मिला है। मूवी डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर 9 मई को आती हुई देखने को मिलेगी थिएटर्स के अंदर और इस मूवी का जो टीजर ट्रेलर है वो यहाँ पर जो कि हमको मार्च के मंथ के अंदर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ ही दिनों का इंतजार करना है, उसके बाद कल की मूवी के जो मटीरियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग और काफ़ी ज़्यादा हाइप के ऊपर रहते हुए देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है कल की मूवी की जो बात की जा रही है वो ये सब बोला जा रहा है कि कल की मूवी के जो मेकर्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस के साथ आएंगे, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देंगे, ऐसे ऐसे मटेरियल्स देंगे जो कि आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी भी यहाँ पर जो कल की के बारे में इतनी खास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन उससे पहले भी कल की जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड के अंदर रहती हुई देखने को मिली है। तो इस वजह से जो कि यहाँ पर कल की के जब मटेरियल्स आएंगे तब कल की कितनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी बड़ी तब भाई रिएक्शन देती हुई देखने को मिलेगी, ये सब देखना बाकी है। उसके अलावा प्रभास अन्ना जो कि यहाँ पर विष्णु भगवान के आने वाले अवतार कल की को जो कि यहाँ पर इस मूवी के अंदर दिखाने वाले, तो भाई साहब ये जो कि एक बेहतरीन मुद्दा होने वाला है और साउथ की मूवीज के अंदर हमेशा से जो है वो यहाँ पर हिंदू धर्म को आगे रखा जाता है, तो इस वजह जो कि इस मूवी की जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो भाई साहब कल की मूवी को हॉलीवुड लेवल पर जो कि यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। प्रभास जो है वो यहाँ पर इस बार बहुत ही ज़्यादा तबाही और नेक्स्ट लेवल रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम हो रहा है कोई जो मूवी है वो यहाँ पर पैन वर्ल्ड रिलीज़ होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर भी जो कि इस की ट्रांसलेट होगी, डबिंग होगी यहाँ पर जो कि चाइनीज, जैपनीज और इंग्लिश के अंदर तो जो कि यहाँ पर डबिंग होना स्टार्ट होती हुई देखने को मिल चुकी है। तो भाई यहाँ पर जो है वो इंतजार की घड़ियाँ खत्म होने वाली, अब देखते हैं क्या सीन्स होते हैं। छोटी सी वीडियो थी यहाँ पर कल की मूवी के बारे में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप यहाँ पर कल की मूवी के बारे में और ज़्यादा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम यहाँ पर हर एक जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। की वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।